वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके लास्ट टू पार्ट रह गए थे क्वेश्चन नंबर सिक्स के। ये है हमारा ए बी सी 12 पार्ट है, ए बी सी डी और वन। इसमें देखिए हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर। इसमें सी टू सी थ्री और सी फोर को हमने सी वन में ऐड कर दिया, तो सारा सी वन कॉलम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन गया। उसके बाद हमने टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी फ्रॉम सी वन किया, तो ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। इस तरह सी वन एंड सी फाइव आर आइडेंटिकल, सो देयर टर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ये हमारा इसका 12 पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का। और अब इसका लास्ट पार्ट है 13 पार्ट। ये 13 पार्ट है ए स्केयर ए प्लस वन का स्केयर, ए प्लस टू का होल स्केयर और ए प्लस थ्री का। इसका फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि इसमें सारे स्केयर खोल देने हैं। ए स्केयर प्लस टू ए प्लस वन, ए स्केयर प्लस फोर ए प्लस फोर, ए स्केयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6a+9, बी स्केयर, बी स्केयर प्लस टू बी प्लस वन, बी स्केयर प्लस फोर बी प्लस फोर, यहाँ बी स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा 6b+9, यहाँ सी स्केयर, सी स्केयर प्लस टू सी प्लस वन, सी स्केयर प्लस फोर सी प्लस फोर, सी स्केयर प्लस यहाँ पे होगा 6c+9, डी स्केयर यहाँ पर डी स्केयर प्लस टू डी प्लस वन, फिर डी स्केयर प्लस फोर डी प्लस फोर, फिर डी स्केयर प्लस 6d+9, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद आप देखें सेकंड इक्वेशन, आप इसमें क्या करेंगी, ये हम कर सकते हैं कि c2 - c1। सेकंड इक्वेशन में हम ये करेंगे c2 - c1, c3 - c1 और इस तरह c4 - c1, यानी कि c1 कॉलम एज इट इज़ ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर और डी स्केयर। अब c2 - c1, अब इसमें से अब इसको माइनस करेंगे, ए स्केयर से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 2a+1। यहाँ पे आपका रह जाएगा बी स्केयर से कैंसिल हो गया 2b+1, फिर यहाँ से सी स्केयर से कैंसिल हो गया 2c+1, जहाँ पे आपका रह जाएगा 2d+1, फिर जब c3 - c1 करेंगे फिर ए स्केयर से कैंसिल हो गया 4a+4, 4b+4, फिर आपके पास 4c+4, फिर होगा 4d+4। यहाँ पे भी जब आप करेंगे यहाँ आ जाएगा 6a+9, 6b+9 और 6c+9 और 6d+9 जहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका देखें कि अगला स्टेप हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके पास होगा c3 - 2c2 और इसी तरह c4 - 3c2। अब आपका यानी कि ए स्केयर भी कॉलम एज इट इज़, बी स्केयर भी, सी स्केयर भी और डी स्केयर भी। इस तरह हमारा c2 कॉलम भी एज इट इज़ 2a+1, 2b+1, 2c+1 और 2d+1, ठीक है। अब हमने क्या किया, c3 - 2c2 यानी कि c2 कॉलम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया और ये आपके पास हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a+2, तो यहाँ पे 4a से कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 - 2, 2। इस तरह यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2। जब आप इसको करेंगी 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका रह जाएगा ये जो है 6a और -6a ये कैंसिल हो गया, 9 - 3 करेंगे तो ये सारा आ जाएगा आपके पास 6, 6 और 6। आगे आपका लास्ट स्टेप ये आ गया है किस्म का, कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम c2 एंड 6 कॉमन फ्रॉम c3 एंड 6 को कॉमन कर लें c3, तो बाहर आपका बन गया 12 और अंदर हमारा रह गया ये जो है कॉमन। अब हम इसमें से ले लेंगे, हमें क्लियर नज़र आ रहा है, जब हमने कॉमन ले लिया तो बाकी आपकी वैल्यू बच गई ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर 2a+1, 2b+1, 2c+1, 2d+1, ये भी आ गया 1, 1, 1 और ये भी 1, 1, 1। इस तरह हमारा c3 and c4 आर आइडेंटिकल, सो देयर टर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, सो देयर टर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ये आज आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।